हमारे साथी टेक्निकल टीम के भाई ईशान श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमसे बहुत दूर रह के गुजरात प्रांत से इस पूरी टीम को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया है, और समय समय पे आज भी वो इस कार्यक्रम को सरंजाम देने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट हमारे जो हमारे साथ जुड़े, उसमें हमने प्रदेश स्तर के इन क्षेत्रों में काम करने वाले विशिष्ट साथियों को अपने साथ जोड़ा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सभी साथियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी लगन के साथ टीम एडुस्टफ और आपके इस काम को देखा है, सराहा है, और अपने विचार मूल्यांकन अंकों के रूप में प्रदान किए हैं। उसमें हमने लर्निंग आउटकम के लिए आदरणीय डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, जो उन्नाव से हैं, लर्निंग आउटकम के वो प्रदेश स्तर के संदर्भदाता रहे, वो हमारे साथ जुड़े। भाई हृदय गोस्वामी जी ललितपुर से, आदरणीय धीरज जी यानी मैं भदोही से, साथ ही साथ म्यूजिक विधा में आपकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिए, उसको जज करने के लिए डॉक्टर जया जी हापुड़ से, कुंदन जी भदोही से, आदरणीय सविता जी रायबरेली से, आदरणीय सुधांशु जी लखनऊ से, आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए जो टीम हमारे साथ काम कर रही है और आज इस वेबिनार में भी हमारे साथ सम्मिलित हैं, आदरणीय दीपाली जी रायबरेली से, प्रवीण सर जौनपुर से, सुरभि मैम लखनऊ से। आईसीटी की विधाओं में प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिए हमारा एक्सपर्ट पैनल रहा, उसमें आदरणीय रवि कुमार जी चित्रकूट से, आदरणीय रवि प्रताप जी जो आईसीटी के नेशनल अवार्डी भी हैं गोंडा से, श्री रितेश शर्मा जी जिन्होंने सीतापुर के डायट की वेबसाइट भी डिज़ाइन करी है, और साथ ही साथ वहाँ बेसिक शिक्षा विभाग सीतापुर में बहुत ही उत्तम स्तर का तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। आईसीटी के हमारे जजेस पैनल में शामिल रहे, एक्सपर्ट पैनल में शामिल रहे, साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम के मेंबर भी हैं। इसी क्रम में समय से भी थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचने वाले और उसके साथ ही साथ तकनीकी सहयोग देने वाले हमारे नवीन कुरवार जी ललितपुर से, जो हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर भी हैं, ये आईसीटी का हमारा एक्सपर्ट पैनल रहा, जिसको भी मैंने आप सबके बीच संक्षिप्त रूप से आपके बीच रखा। आपकी सारी प्रविष्टियाँ जो भी हमें प्राप्त हुई हैं, उनको हमने तीन कैटेगरीज में, तीन श्रेणियों में उसे बांटा है। प्राप्त अपने जजेज के मूल्यांकन के आधार पे, अपने एक्सपर्ट्स के विचारों के आधार पे, उनके अंकों के आधार पे जो क्राइटेरिया तय की गई थी उसके आधार पे, उसमें तीन श्रेणियाँ बनी हैं और तीनों श्रेणी के सर्टिफिकेट्स तैयार कर लिए गए हैं, और वो आज आपको इस वेबिनार के बाद ई प्लेटफॉर्म पर ही आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसमें आज हमारे साथ इस वेबिनार में हमने अपने, चूंकि हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं, सबको जोड़ना भी चाहते हैं, सबसे जुड़ेंगे भी और सबको जोड़ा भी है, और आपके साथ आपके सहयोग से टीम एडुस्टफ इस काम को और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, और निश्चित रूप से हम सब आपसी विचारों के साथ एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को सीखने और सिखाने के अवसर प्रदान करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस वेबिनार में हमारे दो श्रेणी के साथी जुड़े हुए हैं, उत्कृष्ट और सराहनीय श्रेणी के साथी, प्रशंसनीय श्रेणी के साथी, मैं क्षमा चाहूँगा, उत्कृष्ट और प्रशंसनीय श्रेणी के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अधिकतम 100 की संख्या के साथ ही हम गूगल मीट पे ऐसी टेक्निकल बंदिश है कि हम अभी इसको कर सकते थे, तो अभी हम इस तरह से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच, जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि जिनकी प्रेरणा से आज प्रदेश के लाखों शिक्षक एक नई दिशा और दशा इस लॉकडाउन की अवधि में तय कर पा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जुड़ेंगी, आदरणीय ललिता प्रदीप मैम। साथ ही साथ प्रदेश के श्रेष्ठ शिक्षक अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट्स पैनल के लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और इस क्रम में मैं चाहता हूँ कि हमारे एक्सपर्ट पैनल से आर्ट एंड क्राफ्ट का मूल्यांकन करने वाली दीपाली मैम अगर हम लोगों के बीच आ गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो अपना माइक और वीडियो अनम्यूट करेंगी और दो शब्द हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय दीपाली मैम, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्ते। मैं दीपाली शर्मा रायबरेली से हूँ। यूपीएस झंझौरा ब्लॉक सताओं में मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी एडू स्टफ में जुड़ने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, हालांकि बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे, और एक अच्छा स्टार्टअप लिया है एडू स्टफ की टीम ने। प्रविष्टियाँ भी मैंने देखी हैं आप प्रतिभागियों की, बहुत ही शानदार हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस सब के साथ, और चाहूँगी कि ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहे, हम लोग एक दूसरे की ज्ञान को और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को, अनुभव को एक दूसरे से बांट पाएंगे, देख पाएंगे। धन्यवाद दीपाली मैम, आपके सुझाव, आपका सहयोग हम सबको हर स्तर पे मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में हमारे साथ लर्निंग आउटकम के राज्य स्तरीय संदर्भदाता डॉक्टर आशीष दीक्षित जी उन्नाव से हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर आशीष दीक्षित जी का भी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो। सभी को आशीष सर नमस्कार उन्नाव से। जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार दीक्षित जनपद उन्नाव से। एडुस्टफ की इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में एक्सपर्ट पैनल के रूप में सम्मिलित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसे मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उत्साही हमारे शिक्षक साथियों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और अलग अलग विधाओं में जिस तरह की प्रविष्टियाँ देखने को मिली, वो अपने आप में हम सभी को गर्वित करने वाली थी। अब बात आती है, किसी भी प्रतियोगिता में जब हम हिस्सा लेते हैं और हमें अपेक्षा अनुरूप हमें हमारे परिणाम जब नहीं मिलते, तो कभी कभी हमारा मन छोटा होता है। तो यहाँ पर बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें अपने मन को छोटा नहीं करना है, हमें आगे निरंतर बेहतर करने का प्रयत्न करना है। कहा जाता है कि विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। आज जो आपका प्रदर्शन है, दिन दूना रात चौगना बेहतर हो, ये मेरी कामना है। और आज मैं 18 जून को याद कर रहा था, तो 18 जून को ही भारत को एक गणतज्ञ शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में सन 1980 को प्राप्त हुई थी। तो आज का 18 जून मैं इस रूप में भी याद रखूंगा कि आप जैसे होनहार साथियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखने का हम सभी को अवसर प्राप्त होगा। इस पूरे आयोजन के लिए एडुस्टफ की टीम को मेरी तरफ से हार्दिक साधुवाद है। प्रीति मैम और उनके साथियों का जो प्रयास है वो बहुत ही उच्च स्तर का है, और जिस दृष्टिकोण के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको, उन सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। ये आयोजन सफल हो, ऐसे शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ हमारे बीच यूपीएफ नैनवारा के नाम से जिन्होंने अपनी पहचान कायम की है, आदरणीय हृदय गोस्वामी सर हमारे बीच हैं, जिन्होंने सुनो कहानी गुनो कहानी के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही शानदार उपयोग किया है, और दादी नानी के मुंह से सुनने वाली परियों की कहानी को इन्होंने हम शिक्षकों और बच्चों तक लाइव पहुंचाया है। मैं चाहता हूं सर आप भी अपने दो शब्द रखें। आदरणीय हृदय सर,
धन्यवाद धीरज सर और सभी साथियों का इस एडवोकेट मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हुए केवल ये कहना चाहूँगा कि विचार तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब वो अपने आकार लेते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें और ऐसा ही विचार आदरणीय ललिता मैम का आदरणीय प्रीति मैम तक पहुँचा और हम साथियों ने मिलकर कुछ करने का प्रयास किया एक साथ और वो प्रयास आप सभी ने देख रहे होंगे एडवोकेट के माध्यम से आप सभी के साथ साझा किया गया। मैं आज के दिन केवल बस इतना सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की है कि हम बेहतर करने वाले साथियों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करें और उनके साथ कुछ करने के लिए कुछ बेहतर करने के लिए योजनाओं का निर्माण करें और एक ऐसी ही एक छोटी सी योजना के तौर पर आप सभी को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस टीम का उद्देश्य बहुत बड़ा व्यापक और बड़ा है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये निश्चित है कि अकेला व्यक्ति उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बहुत सारे साथियों की उसमें आवश्यकता होगी। हाँ ये ज़रूर है कि शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी थी तो वो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रीति मैन के माध्यम से हुई है, इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देश्य अपने मुकाम तक तब पहुँचेंगे जब बहुत सारे आप जैसे कर्मठ और लगनशील साथियों का साथ इस टीम के साथ रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये हम लोगों का एक साझा प्रयास है और साझा प्रयास में हमें एक दूसरे को प्रेरित करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है और वो जो उद्देश्य हम लोगों ने बच्चों के लिए बना रखे हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए उन्हें नौनिहालों के लिए कुछ बेहतर करने की मुहिम में जुटना है। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है हमारे बीच में हम की आदरणीय मैम पधार चुकी हैं, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद धीरज जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद सर। हम सबके बीच शिक्षकों में अत्यंत ही लोकप्रिय जिनकी अच्छे ऊर्जा से प्रेरणा से इस लॉकडाउन की अवधि में शिक्षकों ने अपने सामर्थ्य और संसाधन और क्षमता को बढ़ाने के नित नवीन उपाय किए हैं आपके मार्गदर्शन में, ऐसी हमारी डायरेक्टर मैम एडिशनल डायरेक्टर मैम ललिता प्रदीप मैम हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। मैं पूरी टीम एडुस्टफ की तरफ से आज के वेबिनार में जुड़े प्रदेश के समस्त जनपदों के शिक्षकों की तरफ से मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा मैम को कि मैम टीम एडुस्टफ के माध्यम से हम सब ने आर्ट क्राफ्ट म्यूज़िक आईसीटी इन विधाओं में पपेट्री विधाओं में शिक्षकों के माध्यम से कुछ ऐसे कक्षा उपयोगी जो बच्चों के सीखने सिखाने में उपयोगी हो सकें जिनसे शिक्षण अधिगम की संप्राप्ति सरल हो सके, इस हेतु शिक्षकों के माध्यम से कुछ प्रविष्टियों का कक्षा अनुरूप आमंत्रण किया गया था, जिसके आमंत्रण के पश्चात इन विधाओं में उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा सम्मान प्राप्त शिक्षकों द्वारा उसका मूल्यांकन किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, साथ ही साथ समस्त शिक्षक साथियों को भी अवगत कराना चाहूँगा कि आपके मूल्यांकन के आधार पर आपके लिए प्रमाण पत्र भी तीन विधाओं में तैयार किए गए हैं। हमारे बीच हमारी मैम उपस्थित हो चुकी हैं, जैसा कि हमारी भावना है परंपरा है, मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर हम सभी माँ बीड़ावादिनी के उपासकों के बीच मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूँगा, माँ बीड़ावादिनी का एक सुंदर सा गीत आप सबने तैयार किया है वो प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए।
नवीन सर, वो सरस्वती वंदना का जो वीडियो है उसको लगाएं। आवाज़ एक बार चेक कर ले, आवाज़ नहीं आ रही। मैम इसमें आवाज़ नहीं आती है। नहीं सर, सर टेस्ट किया गया था, आवाज़ आती है, आएगी। नवीन सर यूट्यूब से ले लें। इस लॉकडाउन के वक्त में हमारे टेक्निकल टीम के साथियों ने, कोर टीम के साथियों ने, जी नवीन सर आवाज़ नहीं आ रही है, आप यूट्यूब से चलाएं। ईशान आप देख लें। धीरज जी आप कंटिन्यू करें, मैं देखती हूँ टेक्निकल क्या दिक्कत है। जी जी जरूर। जैसा मैं कह रहा था कि इस लॉकडाउन के वक्त में हमारे कोर टीम के साथियों ने टेक्निकल टीम के सहयोग से प्रदेश स्तर पर शिक्षकों से इन विधाओं में प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं और इन प्रविष्टियों के माध्यम से इन विधाओं में कुछ जो लर्निंग आउटकम हैं उनके बारे में हमारे आशीष सर ने और उनकी पूरी टीम ने इस पे बात करी है, मूल्यांकन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इन प्रमुख विधाओं से जो हमारे कुछ विशिष्ट साथी जिनकी प्रविष्टियाँ बहुत शानदार रही, उनमें से मैं कुछ साथियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ जब तक हमारे टेक्निकल टीम के लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच ममता मिश्रा जी प्रयागराज से, जो उन्होंने की संगीत विधा में अपनी प्रविष्टि भेजी है, मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द इस अवसर पे रखें। आदरणीय ममता मिश्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय जनों, विशेषकर अपनी प्यारी ललिता मैडम जी, सभी निर्णायक मंडल और सभी शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की प्रतियोगिता में मैंने पहली बार भाग लिया था। मन में कुछ हिचक थी कि ये संभव कैसे होगा, लेकिन मैं एडुस्टफ की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह हम शिक्षक क्लास में किसी बच्चे को समझाते हैं एक एक स्टेप, वैसे उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। लिंक ओपन कैसे करना है, ज्वाइन कैसे होना है, टेलीग्राम पे वीडियो कैसे भेजना है, बहुत धैर्य के साथ वो हम सबकी बातें सुन रहे थे, एक एक का जवाब दे रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्रतियोगिता जो ललिता मैडम ने आयोजित करवाई, ये हम शिक्षकों को इसमें और प्रतिभाग करने का अवसर मिलता रहेगा। ये प्रतियोगिता अपने आप में अनोखी इसलिए थी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो पूरा पूरा हो रहा था, सभी अपने घर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, साथ ही साथ हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख भी रहे थे, दूसरों की एंट्री देख कर भी सीखने का अवसर मिला। तो मैं तहे दिल से आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम। बिल्कुल, पूजा के सम पूज्य है अपना यह शिक्षण व्यवसाय, उसमें हम ऐसे रमे जैसे जल में दूध समाए। निश्चित रूप से हम सब जो कुछ भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय ललिता प्रदीप मैम का
बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, प्रेरणा है। और इस अवसर पे मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी टेक्निकल टीम ने अपने काम को ठीक कर लिया हो तो वो कृपया काम को आगे बढ़ाएं। आइए चलते हैं अगले विचार की तरफ और आपको परिचय करवाते हैं आर्ट क्राफ्ट में अपनी प्रविष्टि भेजने वाले जालौन के उदय करंजी से। हालांकि सबसे बात करा पाना, सबके अनुभव ले पाना यहाँ पे संभव नहीं है, किंतु हमने प्रयास किया है कि हर विधा से हम एक एक साथी को आपसे परिचित करा पाएं। तो अब हम चलते हैं उदय करंजी से आर्ट क्राफ्ट जालौन। जी धन्यवाद धीरज जी। सबसे पहले तो मैं आज आदरणीय ललिता मैम जी को सादर प्रणाम करता हूँ और पूरे आयोजक मंडल को और सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि एडू स्टेप का उद्देश्य था वो परिलक्षित होता दिख रहा है मुझे। मैंने जो प्रविष्टियाँ देखी हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और निश्चित रूप से जो लर्निंग आउटकम है उनमें वो सहयोगी होंगी। और कैसे हम घर में जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको हम कैसे यूज करके शिक्षण के क्षेत्र में उनको उपयोगी बना सकते हैं, तो ये सब सीखा है मैंने। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एडविस्टर टीम का। और जी धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हो पाया, हमने एक दूसरे से इस तरह से सीख पाए क्योंकि हमने टेलीग्राम लिंक का इस्तेमाल किया। टेलीग्राम पर हमने प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जहाँ पर सब एक दूसरे की प्रविष्टियाँ देख सकते थे, एक दूसरे को सीख सकते थे। और संभवतः अब मुझे लगता है कि हमारी टेक्निकल टीम इसके लिए तैयार है। जी वादनी के चरणों में सत सत नमन। मैं आदरणीय मैम को और सभी शिक्षक साथियों की बताना चाहूँगा कि आपने माँ सरस्वती की वंदना में जो स्वर सुने ये हमारी शिक्षिका बहन आदरणीय सविता जी की आवाज़ थी जो रायबरेली से हैं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि मैम हमारी पूरी टीम की भी मेम्बर हैं और इन्होंने ही
म्यूज़िक में जो हमारी प्रविष्टियाँ आई हैं उनमें ये एक्सपर्ट पैनल में भी रही हैं और बहुत ही सुमधुर स्वर से इन्होंने माँ सरस्वती की आराधना भी हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब इसी क्रम में मैं मैम को भी बताना चाहूँगा, आप सबके भी बीच रखना चाहूँगा कि पूरी तीन तरह से ये टीम इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित करने में मैम सक्रिय रही है, जिसमें कोर टीम जिसने प्रतियोगिता आयोजित की उसके नियम बनाए, टेक्निकल टीम जिन्होंने लिंक दर लिंक प्रोवाइड किया, लोगों की तकनीकी सहायता करी, और इसके बाद एक्सपर्ट पैनल सारी प्रविष्टियों के आ जाने के बाद उन चारों विधाओं में हमारे एक्सपर्ट पैनल के जजेज ने उस पर अपने मूल्यांकन के अंक प्रदान किए, जिसके आधार पर आज हम इस परिणाम प्रकाशन वेबिनार में हम आज सम्मिलित हैं अपने। और इसको हमने मैम तीन श्रेणियों में बांटा है, उत्कृष्ट, प्रशंसनीय और प्रतिभागिता के आधार पर। तो आज हम दो श्रेणी के अपने साथियों के साथ, दो कैटेगरी के साथियों के साथ आज हम उनकी प्रविष्टियों के आधार पर हम मैम आपके साथ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर हमारी टेक्निकल टीम के साथियों ने पूरी टीम का परिचय, इन तीनों टीम का परिचय के लिए छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो अगर वो तैयार तो कृपया उसे प्रस्तुत कर दें, जिसके माध्यम से पूरी कोर टीम और पूरी एक्सपर्ट और टेक्निकल टीम का भी परिचय सबके सामने आ जाएगा। को सेट कर रहे हैं तब तक मैं चाहूँगा कि पपेट्री में हमारी ओजस्विनी जी, हमारी शिक्षिका है बहन गाजियाबाद, मैं चाहता हूँ कि आप इस संबंध में इस अवसर पे दो शब्द कृपया रखें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ललिता मैम को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ और एडुस्टफ की सारी टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, यहाँ उपस्थित सारे शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और एडुस्टफ की टीम ने मुझे एक बहुत अच्छा, मुझे हम सभी शिक्षकों को बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया है, और मैं तो ये कहूँगी कि मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं अपने कैरियर में कि अगर मैं कभी पीछे हटना चाहूँ, अपना कुछ काम शो ना करना चाहूँ, एक्चुअली मैं करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा आगे आने में कभी कभी हिचक होती है, तो मुझे इतने अच्छे यहाँ दोस्त मिले हैं, इतने मोटिवेशनल मेरे फ्रेंड्स हैं, जिसमें मैं प्रीति श्रीवास्तव का नाम लूँगी, मेरे जनपद से नीरव शर्मा हैं, ये लोग मेरे इतने अच्छे मतलब मोटिवेशनल फ्रेंड कहने चाहिए मुझे, कि हमेशा अगर पीछे हटने वाले को हाथ देकर आगे बढ़ा लेते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देके सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और रही एडुस्टफ के जो ये एडुस्टफ जो एक ये हमारा प्लेटफॉर्म मिला है हम सभी टीचर्स को, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इस कोविड काल में, इस लॉकडाउन में हम लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबके समक्ष लाया है और हम सब आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखे हैं, मेरी क्या कमियां रहीं तो मैं उसको और कैसे इम्प्रूव करूं, ये सब हमने एक दूसरे की प्रविष्टियों को देखकर सीखा है। और सच कहें तो इन प्रविष्टियों को भेजते समय, बनाते समय कहीं ना कहीं हम सब ने अपना बचपन दोबारा से जिया है, तो मुझे एडुस्टफ की ये पहल बहुत ही अच्छी लगी और मैं उम्मीद करूंगी आगे भी एडुस्टफ की टीम इसी प्रकार इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाए, और मैं एडुस्टफ की पूरी टीम को अपने हृदय से और ललिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में पूरी टीम का उत्साह बढ़ाया है, साथ ही साथ पूरे सभी शिक्षकों को एक रास्ता और एक राह की तरफ प्रेरित भी किया है। हम सब मिलके इसे और आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए अभी आगे की भी योजना है, तब तक टीम परिचय हमारे टेक्निकल टीम के साथ ही प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। जी
धीरज जी आप सबका परिचय बाय नेम करा दें। जी जरूर। अभी आप देख पा रहे थे, मैंने जैसा आपको शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ तीन टीम के स्तर पे हम इस प्रतियोगिता के आयोजन से जुड़े हुए थे, जिसमें कोर टीम, जिसमें हम प्रीति मैम जौनपुर के संयोजकत्व में हम सब काम कर रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से सहयोग कर रही थी आदरणीय सुरभि मैम लखनऊ से, सविता मैम रायबरेली से, हृदय सर ललितपुर से। हमारी टेक्निकल टीम जो कि हमें इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हमारी मदद कर रही थी, जिसमें प्रमुख रूप से जुड़े थे हमारे साथ आदरणीय श्री रवि कुमार सिंह जी चित्रकूट से, आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी गोंडा से, आदरणीय श्री नवीन पुरवार जी ललितपुर से, आदरणीय श्री रितेश शर्मा सर सीतापुर से। साथ ही साथ विशेष रूप से हम सबका इसमें गुजरात से मार्गदर्शन कर पा रहे थे भैया ईशान श्रीवास्तव। एक्सपर्ट पैनल जो अलग अलग विधाओं के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम थी, उसमें अगर हम बात करें तो लर्निंग आउटकम की जो हमारी एक्सपर्ट टीम थी उसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर आशीष दीक्षित सर उन्नाव से, आदरणीय श्री हृदय गोस्वामी जी ललितपुर से, आदरणीय श्री धीरज जी भदोही से। म्यूजिक में जो हमारी एक्सपर्ट पैनल की टीम थी डॉक्टर जया शर्मा जी हापुड़ से, आदरणीय कुंदन जी भदोही से, आदरणीय सविता मैम रायबरेली से, आदरणीय सुधांश श्रीवास्तव जी लखनऊ से। आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी एक्सपर्ट पैनल में आदरणीय दीपाली मैम रायबरेली से, आदरणीय प्रवीण सर जौनपुर से, आदरणीय सुरभि शर्मा जी लखनऊ से। आईसीटी में हमारी एक्सपर्ट टीम थी आदरणीय रवि जी गोंडा से, आदरणीय रवि कुमार जी चित्रकूट से, आदरणीय रितेश जी सीतापुर से और नवीन पुरवार जी ललितपुर से। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे थे दीपाली मैम के साथ ऋचा गोस्वामी मैम और मीनाक्षी विश्वकर्मा मीना विश्वकर्मा मैम। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरे आयोजन में हर तरह से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था अपने कोर टीम के सभी सम्मानित साथियों का, जिसके लिए प्रतिदिन हम सब गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे से विचार विनिमय नियमित रूप से किया करते थे। और इन प्रविष्टियों को, चारों विधाओं की प्रविष्टियों का मूल्यांकन हमने टेलीग्राम पे मंगाया था और उसी टेलीग्राम से ही हमने इसका मूल्यांकन भी किया सर। ऑनलाइन सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैम को बुलाएं, अब मैम को आमंत्रित करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हम सबके बीच हमारी प्रेरणा की अच्छे स्रोत आदरणीय एडिशनल डायरेक्टर मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। इस अवसर पे इस लॉकडाउन की अवधि में हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तत्व अमरत्व कि जिनके जीवन से हमें शिक्षा मिल रही है, ऐसी हमारी ललिता प्रदीप मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ। कृपया वो हम सभी का मार्गदर्शन करें अपने उद्बोधन के साथ। थैंक यू सो मच धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। इतना स्ट्रक्चर्ड संचालन मैंने अभी तक, शायद ये सेकंड वेबिनार होगा जिसमें देखा है। डेफिनेटली एडू स्टफ की पूरी टीम को, स्पेशली प्रीति श्रीवास्तव, और कुछ नाम जो मैं पहले से जानती हूँ दोबारा सुनने पर वही नाम दिमाग में आते हैं, हृदेश, सुरभि और मीना विश्वकर्मा का भी नाम सुना मैंने। मीना ने पिटरी में बहुत सारा काम लखनऊ में किया, सुरभि बहुत सारे जितनी सॉफ्ट स्किल्स हैं बहुत अच्छा लगती है। मैं ओजस्विनी भी देख रही थी ममता ने बड़ा अच्छा सा अपना फीडबैक दिया है। तो कम से कम एक बात ये समझ में आती है कि जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो हमारे हॉबी और पैशन का पार्ट होती हैं। बहुत कम लोग लकी होते हैं जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं, और संभवतः एटलीस्ट मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूँ। मैं तो अभी तक अपना पैशन डिस्कवर कर रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या, मुझे कौन सी चीज़ है जो रख सकती है। इस खोज में मैं बराबर नई नई चीज़ें करती रहती हूँ, पर कुछ चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं लंबे समय उसके साथ स्टे करती हूँ। तो अपने पैशन को तलाशना, अपने टैलेंट को तलाशना एक बहुत बड़ा काम है, और अगर इसमें शैक्षिक जो आप लर्निंग आउटकम कह रहे हैं, लर्निंग आउटकम भी अगर इसके साथ जुड़ा है तो निसंदेह
ये बहुत मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं और प्रीति ने जिस तरह से इस प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले बात की थी, तो उन उससे भी साफ जाहिर था कि शिक्षकों के जो अपने गुण हैं, जो अपना टैलेंट है, उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बच्चों के लिए किस तरह इस्तेमाल करें, इसमें रखा गया था। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी हमारा लाइफ जो है पैशन से ही एनरिच होता है। अगर हम अपने पैशन को फॉलो करें तो हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने अपनी एंट्रीज भेजी, आपने इसे ट्राई किया और आप एक जगह इकट्ठा हुए, आपने एक दूसरे से सीखा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना अमूल्य समय दिया, अपने बहुमूल्य विचार दिए और सबसे बढ़कर आपने अपना आशीर्वाद हम शिक्षकों को प्रदान किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साह बढ़ाया। निश्चित रूप से टीम एडुस्टफ के रूप में हम सब और बेहतर, बेहतरीन, उत्कृष्ट करने का निरंतर प्रयास करेंगे आपके मार्गदर्शन में। अब मैं चाहूँगा कि हमारी टीम की संयोजिका आदरणीय प्रीति श्रीवास्तव जी कृपया कुछ शब्द कहें। नमस्ते मैम, मैं आज बहुत भावुक हो रही हूँ। मैंने एक जो छोटी सी मेरे दिमाग में एक बात आई थी, मैंने मैम को उसे शेयर किया मैम से, और आज वो इतना अच्छा रूप लेकर के आया है सबके सामने, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एडुस्टफ द्वारा आयोजित ये जो आर्ट, क्राफ्ट, पपेट्री, म्यूज़िक, ICT विधा में जो हम लोग इस COVID-19 काल में राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता किए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी को धन्यवाद आभार करना है तो हमारी ललिता मैम हैं। इनके प्रेरक स्नेहसिक मार्गदर्शन से हम अभिभूत होकर इस मतलब सारा मैंने जो भी किया इसमें मैम का सारा उनके निर्देशन में, हमेशा मुझे निर्देशन और संबल प्रदान करने वाली मैं बहुत बहुत ज़्यादा आपको आभार और धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैम। आपके सहयोग के बिना ये इम्पॉसिबल था मैम, और आज आप अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए समय निकाली हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके साथ है हमारे BSA सर और ABSA सर भी बहुत हमें सपोर्ट किए और उनका मार्गदर्शन मिला। मैं अपनी एक्सपर्ट टीम, आशीष दीक्षित सर, जया शर्मा मैम, मीना विश्वकर्मा मैम, वंदना गुप्ता मैम, ऋचा शर्मा मैम, दीपाली मिश्रा मैम का बहुत आभार करती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अपना समय दिया। जजमेंट के लिए हम लोगों ने एक हफ्ते से ज़्यादा समय लिया और एक एक प्रविष्टि को कम से कम 3 बार देखा गया कि कहीं से किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। और इसके साथ ही मैं अपनी पूरी टीम का, मतलब टीम के बगैर कोई भी आपकी कल्पना, जो भी आपकी सोच है वो हो नहीं पाती है पूरी। और मेरी जो टीम है कोर टीम में, हृदेश जी ललितपुर से, धीरज जी भदोही से, सविता सिंह जी रायबरेली से, सुरभि शर्मा लखनऊ से, और टेक्निकल टीम में रवि सर चित्रकूट से, रितेश शर्मा जी सीतापुर से, प्रवीण सिंह जौनपुर से, और नवीन परवार सर ललितपुर से। इसके साथ ही ईशान जी गुजरात से, आप सबके सहयोग के बिना मेरा ये जो मेरी सोच थी कुछ भी रूप नहीं ले पाती अगर आप सब नहीं होते, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों ने इतने उत्साह से बढ़ चढ़ के जो इसमें प्रतिभाग किया और धैर्य बनाए रखा, इस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैं धन्यवाद जी। शायद एक अंजू मैम का रह गया है, अंजू मैम भी कुछ कहना चाह रही थी। जौनपुर से हैं अंजू मैम, तो क्या वो हैं क्या इसमें अभी हैं वो जी? अंजू कुमारी मैम ICT विधा में जौनपुर से, कृपया वो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी मैम, थैंक यू। हेलो, हाँ मैम बोलो। आ रही है मेरी? जी मैम बोलो। सभी को मेरा प्रणाम।
प्रोग्राम जो है जो हुआ था इससे मुझे बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अभी कुछ महीनों से मतलब इस एरिया में काम कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कई लोगों से मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है और गाइडलाइन मिल रहा है, जिसके कारण मैं मतलब कर पा रही हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद। हेलो जी। हाँ, मैं अंजू कुमारी, सहायक अध्यापक। हेलो जी, बोले जी। मैम आवाज आ रही है, बताएं। मैं अंजू कुमारी, सहायक अध्यापक, बक्सा ब्लॉक जौनपुर से बात कर रही हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और स्पेशली हमारे जो रिस्पेक्टेड आईसीटी की डायरेक्टर मैम है, ललिता प्रदीप मैम, उन्होंने जो इतना बड़ा सा एक फील्ड हम लोगों के लिए डेवलप किया है, स्पेशली हम टीचर्स के लिए, जिससे हम अपने एजुकेशन में जो टीचिंग मेथड हमारा है उसकी क्राइटेरिया को बदल सके, क्योंकि हम टीचर सबका ही मतलब नॉलेज होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नॉलेज से होता है। तो जब मैं इससे जुड़ी, इस ग्रुप से जुड़ी, तो इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। मेरी प्रीति मैम है, वो हमारे ब्लॉक से हैं, बक्सा ब्लॉक से। उनको जब मैंने इस ग्रुप में देखा तो मुझे लगा नहीं, ये कुछ अच्छा चीज ही होगा, क्योंकि मैं इनसे पहली बार निष्ठा ट्रेनिंग में मिली थी। तो उस समय जब मैं इनसे मिली तो इनकी हर सोच इतना पॉजिटिव है, इतना डायनेमिक टीचर्स हैं ये, तो मुझे लगा ये बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे मिल रहा था। तो बस उनको देख करके ही मैंने इस फॉर्म को फिलअप कर दिया था, भर दी। बाद में जब मैं इस पर वर्क डन करना स्टार्ट करी तो मुझे ये लगा कि नहीं, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको, ये सीखने लायक चीज़ें हैं, मैं इस पर कुछ अच्छा कर सकती हूँ। धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते ये एडू स्टफ्स के जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स थे, हमारे पूरे प्रदेश के सारे टीचर्स उस पर मिलना स्टार्ट हुए, सबका जो उनकी प्रतिभा थी और उसके साथ साथ जो उन्होंने कार्य किया था आईसीटी पे, स्पेशली मैं आईसीटी से जुड़ी हुई थी, इतना ज़्यादा प्रशंसनीय था और सराहनीय कार्य था। मैं तो बिल्कुल न्यूरल टीचर हूँ, मेरे लिए हर कुछ नया था। ये प्लेटफॉर्म के बारे में अभी भी मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ, बस मुझे 6 to 7 days जुड़े हुए हुआ है, और वो भी मैं प्रीति मैम के थ्रू ही जो भी कुछ मैं जानी। लेकिन मैं हमेशा फेसबुक वगैरह पे मैं देखती रहती थी कि ये एडू स्टफ क्या है और एक्चुअल में ये होता क्या है। हम न्यूरल जो स्टाफ हैं, हम न्यूरल जो टीचिंग से जुड़े हुए जो भी टीचर हैं, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था इस फील्ड के बारे में। फिर हमें ये लगा नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो मुझे बहुत आगे ले जा सकता है, हमें इस पर काम करना चाहिए। फिर मैं एक छोटा सा वीडियो मैं इसमें डाली थी, बहुत ही सही नहीं था बट मैंने डाल दिया। लेकिन आज मैं इस पर महसूस कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है नहीं, ये वेबिनार जो शब्द आया है, ये बिल्कुल इस सेमिनार कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, नॉट सिर्फ एक सेमिनार ये नहीं है, ये हम पूरे प्रदेश के सभी टीचर को एक साथ जोड़ करके रखने का एक बहुत अच्छा सा मंच है, जिसपे हम सबकी प्रतिभा को देख सकते हैं, उसका हम अपने बच्चों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं और अपने टीचिंग स्टाइल को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। तो ये सारी एडवांसमेंट मुझे इसी एडो स्टफ के थ्रू ही सीखने के लिए मिला है, और मुझे अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट सा लगा है कि नहीं, पहले मैं जाती थी बस स्कूल तो बस बच्चों को पढ़ाना है, किताब से पढ़ा देना है, उसी कुछ राइटिंग कराना है, नोट्स कराना है, नोटबुक लिखवाना है, पढ़ाना है, दैट्स इट। बट नाउ इट इज 6-7 दिनों में मैं अपनी एक सिर्फ अनुभव मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मुझे लगा नहीं, बहुत सारा काम है जो हम टीचरों को, अभी स्पेशली न्यूरल टीचर को हमें नहीं आता है, हमें बहुत कुछ सीखना है। और रिस्पेक्टेड आप सारे जितने भी टीचर हैं, हमारे सीनियर हैं, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और मैं चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए तैयार रहे और हम जैसे जो न्यूरल टीचर हैं उनको भी आप जोड़ करके रखें, जिससे कि हम जब भी अपना टीचिंग करें तो उसके लिए पहले से ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करें।
हमें भी पता हो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है और उसको पढ़ाने का तरीका क्या है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अभी एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी रिस्पेक्टेड ललिता मैम से कि मैम इसका ट्रेनिंग हम लोगों को चाहिए, आप हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अंजू मैम हेलो, हाँ रोकना चाहूँगी अभी थोड़ा सा, हाँ अभी मैं रोकना चाहूँगी, इस संबंध में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच सभी, मौका दिया, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को और नमस्ते। थैंक यू सभी को हम ये कहना चाहेंगे कि मैम को कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो मैम जा चुकी हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आप सबके सर्टिफिकेट्स आप सबको अभी मतलब इसके बाद तुरंत प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर पहुंचा दिए जाएंगे। आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब हमारे ट्विटर अकाउंट जो एडुस्टफ का है और फेसबुक पेज उसको टैग करके अपने सर्टिफिकेट लगाएं, और इसके बाद जो हमारी योजना है एडुस्टफ के साथ वो आप सब ग्रुप में बने रहें। हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर साथ में काम करें, जो हमारा उद्देश्य है प्रतियोगिता, हमारा एक पहला उद्देश्य पहला स्टेप था, मतलब जो हमारा लक्ष्य था उसकी ये पहली सीढ़ी थी। अभी हमें आगे और कई लक्ष्यों को साथ में लेके चलना है और आप सबके सहयोग से वो लक्ष्य पूरे हो पाएंगे, जिसमें हमारी मैम का बराबर निर्देशन और मार्गदर्शन मिलता रहेगा ललिता मैम का। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है और चाहेंगे कि आप सब बने रहें, ऐसे ही साथ में प्रोत्साहित करते रहें, साथ हम लोग साथ साथ आगे चलते रहें। तो धीरज सर आप कंटिन्यू करिए फिर। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी संस्था को किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पहला है सामर्थ्य और दूसरा है संसाधन। हमारे शिक्षक हम सब सामर्थ्यवान अपरिमित हैं, बस प्रीति मैम और ललिता मैम और हमारी सारी कोर टीम के मेंबर्स, हमारे एक्सपर्ट पैनल के जजेज, हमारे टेक्निकल टीम के साथी हमें संसाधन उपलब्ध कराते रहेंगे, हम निरंतर बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा सभी शिक्षकों ने भी मन में यही सारे शिक्षक सोच भी रहे हैं और यही कहना भी चाहते हैं। मैं इस क्रम में ये चाहता हूँ कि अगर हमारी टेक्निकल टीम तैयार हो जाए तो वो चैट बॉक्स में डाल देंगे और मैं उनके माध्यम से जो कुछ एक दो मिनट का वीडियो जो उत्कृष्ट प्रविष्टियों का है वो हम सब स्क्रीन पे देखना चाहेंगे, अपने सभी साथियों के साथ साझा करना चाहेंगे वीडियो फॉर्म में। हालांकि टेलीग्राम लिंक पे तो सारी चीज़ें हैं, बट अगर हमारी टीम टेक्निकल टीम इसके लिए तैयार होगी जैसे हमें बोल देगी तो हम इसे कर लेंगे। उसके पूर्व मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे कोर टीम के साथियों से, हमारे सारे प्रदेश के शिक्षक जो अभी हमारे जुड़े हुए हैं उनसे मैं परिचय कराना चाहूँगा। तो अभी तो मैंने जजेज पैनल का परिचय आपसे कराया, जिसमें वंदा मैम हमारी पपेट्री की जज हैं, आदरणीय मीना मैम जिनके बारे में ललिता मैम कह रही थी अभी पपेट्री की जज हैं, ऋचा गोस्वामी मैम हैं, तो इन सबसे हमारा परिचय तो हो ही गया। अभी हम सविता मैम और सुरभि मैम जिन्होंने पूरी इस कवायद को अंजाम दिया है शुरू से लेकर आज तक, आगे भी इस काम को करने वाली हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आदरणीय सुरभि मैम हम सबके बीच अपने दो शब्द रखेंगी। हाँ थैंक यू धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अरिस्टॉप की तरफ से बस एक बात आप लोगों को जरूर बोलना चाहूँगी कि खेल जिंदगी के खेलते रहो यारो, कोई हार जीत आखिरी नहीं होती। तो ये अभी शुरुआत है, ये अंत नहीं है, प्रतियोगिताएं और भी होंगी। हम लोग आपस में बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसके बाद हम कुछ और नया लेकर आए, कुछ ऐसा लेकर आए जिसका मात्र मकसद केवल केवल आर्ट क्राफ्ट या अच्छा अच्छा गाना ना हो, उसको हम और कैसे बेहतर दिशा में उसको हम प्रोजेक्ट कर सकें, बच्चों से कनेक्ट कर सकें। इन सब चीज़ को लेकर आप यकीन जानिए हम पूरी टीम के बीच में इतना मंथन होता है, इतना मंथन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, और मुझे बिल्कुल विश्वास है और ईश्वर से यही कामना है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम इसको लेकर बहुत आगे बढ़े और आप सबका सहयोग हम एक ऐसे ही बनाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि मैम। बस ऐसे ही आप सबका साथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, मंजिल नज़दीक आती ही जाएगी, कारवां चलता ही रहेगा। मैं इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि सुरीली आवाज़ की धनी जिनका वीडियो अभी हम सब ने देखा, माँ सरस्वती की वंदना के रूप में जिसे जिन्होंने स्वर दिया था, तो कृपया सविता मैम भी हम सबके बीच अपने दो शब्द रखना चाहें। धन्यवाद धन्यवाद धीरज सर।
सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने सरस्वती वंदना को पसंद किया, और आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ कि आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और सराहनीय कार्य किया। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो भी प्रतियोगिता है वो आगे भी चलती रहेगी, हमारे कार्य आगे भी चलते रहेंगे। आपका साथ हमें हमेशा चाहिए, आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, हमारी टीम का उत्साह बढ़ाते रहें और इसी तरह हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कोर टीम के साथियों से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा, आदरणीय प्रीति मैम से, सूरज मैम से, नवीन सर से, रिचि सर से, जो लोग भी कृपया आज के परिणाम की घोषणा करें। पहले हमारे कोर टीम के भी जो टेक्निकल टीम के जो साथी हैं वो भी दो दो शब्द, दो दो लाइन बोल दें थोड़ा, जिससे उन लोगों से भी लोग परिचित हो जाएं। बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर सुझाव आपने दिया। और मैं टेक्निकल टीम के साथियों से ये भी आग्रह करूंगा, अगर नेटवर्क उनका साथ दे रहा हो तो कृपया वो अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगा सीतापुर के भाई रितेश जी को, अगर वो हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कृपया हम सबको संबोधित करें। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, मैं रितेश शर्मा प्राथमिक विद्यालय डिग्रा टू सीतापुर से। एजुस्टफ में प्रीति मैम का अचानक फ़ोन आया मुझे जुड़ने के लिए। मुझे लगा कि जैसे इससे पहले भी मैं कई प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ लेकिन वैसा रिजल्ट या वैसा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ जैसा प्रीति मैम का जो विचार था उसको जानकर हुआ कि बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी मैम। सभी लोग जुड़े, सभी साथी हमारे जो हैं, हम सबसे कम अनुभवी हूँ मैम क्योंकि मैं पिछले 3 साल से बेसिक में हूँ, लेकिन फिर भी सभी लोगों का मार्गदर्शन इतना अच्छी तरह प्राप्त हुआ है कि मुझे लग रहा है कि इस एजुस्टफ में जुड़ करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी सीखते रहने को मिलेगा। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सर। रितेश सर का परिचय इस तरह से भी हम लोग जान सकते हैं कि इन्होंने बहुत कम समय में सीतापुर में ICT के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, बड़ा मुकाम स्थापित किया है। बेसिक से लेकर डायट तक आपने बहुत सारे काम वहाँ पे किए हैं। सीतापुर के शिक्षक साथी जानते होंगे इस बात को और आज पूरा प्रदेश भी इस बात को जान गया है। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि जिन्हें हम सब ये कहते हैं कि 2 कदम आगे की सोच रखने वाले टेक्निकल फील्ड में, भाई नवीन पुरवार जी ललितपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा अपने 2 शब्दों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित साथियों को, हार्दिक धन्यवाद और सहभागियों को बधाइयाँ, एजुस्टफ की सारी टीम को बधाई। मैं नवीन पुरवार ललितपुर से, जैसा कि रितेश सर ने बताया कि जिस प्रकार से उनको प्रीति मैम का कॉल आया था, जस्ट ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी प्रीति मैम ने दी है तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा और आगे इसी तरह से एजुस्टफ का साथ देता रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर। अब इसी तरह से अगर हमारी टेक्निकल टीम के परिचय के बाद मैं चाहता हूँ कि परिस्थितियों का एक छोटा सा वीडियो मुझे देखने को मिला था, अगर रेडी हो जाए तो कृपया चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्योंकि हमारे साथी भी उसको देखना चाहेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आगे हमारी प्रीति मैम जो इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रही हैं, कृपया वो आगे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें आगे के कार्यक्रम के संबंध में। रितेश सर, सर्टिफिकेट सारे रेडी हो गए तो क्या हम लोग इन लोग सभी को व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज दें या फिर सुझाव आ रहे हैं चैट बॉक्स में कि फेसबुक पेज पे पोस्ट किया जाए, तो आप सबकी जैसी इच्छा हो, या तो हम लोग डायरेक्ट ही फेसबुक पे लगा देते हैं या आप सब जैसा कहें। जैसा जो चैट बॉक्स में आ रहा है वो प्रविष्टियाँ अपलोड करने के लिए आ रहा है। अच्छा, सर्टिफिकेट के लिए नहीं आ रहा। अच्छा, प्रविष्टियों के लिए है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट हम लोग विदिन आधे घंटे में हो जाएंगे ना सर सबके पास। जी ये प्रविष्टियों की एक झलक प्रस्तुत हो रही है, स्क्रीन पर चलते हैं।
ये कुछ अच्छी प्रविष्टियाँ थीं तो जिनको हम लोगों ने प्रदर्शन के लिए रखा था। नहीं, इसमें वॉइस नहीं है, सिर्फ प्रविष्टियाँ ही हैं, क्योंकि म्यूज़िक का हम लोग वो व्यक्तिगत आया था लोगों के परफॉर्मेंस, तो इस वजह से उसको हम लोग नहीं दिखा सकते थे। और सबके स्क्रीनशॉट या फिर फ़ोटोज़ ही लिए गए हैं। और बाकी जो प्रविष्टियाँ हैं संगीत की, आईसीटी की, पपेट्री की, जो वीडियोस में हैं, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो हैं, वो सब हम लोग अपने पेज पर, एडोस्टफ पेज पर अपलोड करेंगे। आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब पेज पर विजिट करते रहें और उन्हें देखते रहें, शेयर करते रहें, सीखते रहें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हम ये जो TLM और टीचिंग टेक्निक का जो हमने कॉम्पिटिशन कराया, हमारा उसका उद्देश्य ये था कि हम सब एक दूसरे से, नई नई विधाओं से परिचित हों एक दूसरे की, और उससे सीखें, और इस लॉकडाउन पीरियड में अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यालय के बच्चों के लिए ये सब देख कर, सीख कर तैयार करें, ताकि आफ्टर ये जब भी स्कूल खुलेगा हमारा अगस्त में, या जब भी खुलेगा, तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे जो कि उनके लर्निंग आउटकम को बढ़ाने में, उनके टीचिंग में बहुत फ़ायदेमंद होंगे, जिसको ये सोच करके ये एडोस्टफ की संकल्पना की गई थी। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, ग्रुप में जुड़े रहें, हम सब लोग आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए और आपके सर्टिफिकेट को आधे घंटे में प्रोवाइड करा देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे वीडियो जो आज आप नहीं देख पाए किसी कारण से, वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजने की व्यवस्था मैम कर दीजिएगा, जिसे सारे लोग इसे देख पाए। व्हाट्सएप में एक चीज, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हेलो, आप लोग प्लीज सुझाव ज्यादा से ज्यादा दीजिए हम लोगों को, ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि हम और किस दिशा में बेहतर कर सकते हैं या कुछ और नया कर सकते हैं। तो फीडबैक और सुझाव, ये दोनों चीजें आप जरूर दीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। आप सभी को अभी कोई क्वेरीज हो तो अभी पूछ लें, क्योंकि अभी हम सब लोग हैं इसमें, टीम हमारी पूरी टीम है, तो अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ ले या फिर चैट बॉक्स में लिख दे। हाँ हेलो, हेलो, प्लीज वन बाय वन जी। सभी लोग सर्टिफिकेट आ जाए तो आप लोग अपने आईडी के माध्यम से फेसबुक पेज पर शेयर जरूर करें। हाँ, ये रितेश सर एक बार फिर से निवेदन कर लें आप सबसे, ये सभी से एक निवेदन ये है कि आप लोग के पास सर्टिफिकेट आ जाए तो आप लोग अपने सर्टिफिकेट अपनी आईडी से हमारे फेसबुक पेज पर शेयर जरूर करें, या ट्विटर, फेसबुक। मैं एक बात कहना चाहती थी। मीना विश्वकर्मा मैम जो हमारी एक्सपर्ट पैनल की जज हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी मैम, स्वागत है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, वो तो खैर अभी क्लियर ही हो गया कि जो तो अच्छी अच्छी प्रविष्टियाँ आई हैं, कम से कम हमें दूसरे लोगों के भी देखने को मिले, तो बात हो ही गई है कि वो डाल दी जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति मैम, हम लोग को मिल जाएंगी। जी मैम, ये हमारे उसमें है, लक्ष्य में है कि हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ वो हमारे व्यक्ति मतलब हमारी संस्था के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है ये प्रविष्टियाँ। तो हम लोग फेसबुक पेज के माध्यम से उसको प्रोवाइड भी कराएंगे, और आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी तक पहुँचे। थैंक यू मैम। और भी कोई साथी अगर कुछ कहना चाहेंगे तो वो अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे, तो मैं उन्हें बुला लूँगा। तब तक हमारे कोर टीम के मेंबर्स और जजेस पैनल के लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बारी बारी से कह सकते हैं। जी जी, मैं गोंडा से सुनील आनंद। सर आपका नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग इतना सफल संयोजन। जी सर, हाँ सर, कंटिन्यू करें। शानदार करें सर। जी सर, शानदार सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई, और आप में ऐसी ऐसी टीम मिले जो हम लोग को प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। मीना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीति जी को, और हृदय सर को तो बहुत ही आभार कि हम लोग के बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक और साथी भी हैं, पूरी टीम को पुनः बधाई सर। सुनील सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अब हम सब आखिरी चरण में हैं आज के इस वेबिनार के,
तो मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट पैनल के अगर कोई भी साथी, कोई मैम अगर कुछ बात रखना चाहती हूँ, हम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहती हूँ अपने, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम ने सारी प्रविष्टियों का मूल्यांकन इतने शानदार तरीके से किया है, उसको दो दो तीन तीन बार उन्होंने देखा है, परखा है, तब जाके अपने अंक प्रदान किए हैं जिसके आधार पर ये पूरे रिजल्ट तैयार हुए हैं। तो हमारे एक्सपर्ट पैनल के कोई भी साथी कुछ कहना चाहे, मार्गदर्शन देना चाहे, उनका भी स्वागत है, अगर शिक्षक कुछ सुझाव, स्वागत उनका भी। रवि सर आप कुछ कहना चाहेंगे? रवि सर चित्रकूट, जी धीरे धीरे, धन्यवाद। आवाज आ रही है। एडुस्टब से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार सिंह, जनपद चित्रकूट से। आप सभी मुझे जानते होंगे, मैं बीए टीचर नाम से पेज भी चलाता हूँ। एडुस्टब से जुड़ने के बाद मुझे जानकारी हुई कि शायद कई ऐसे चेहरे हैं जो छिपे हुए हैं, जो इनकी पृष्ठियाँ देखा मैं कहा जो छिपे हुए हैं, ये नए चेहरे हैं जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुए हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि इसके माध्यम से नए नए ऐसे अध्यापकों के बारे में जानकारी मिली जो काफ़ी योग्य हैं, जिनकी काफ़ी प्रतिभा हैं, तो ये अच्छा लगा मुझे। मैं 2009 से सर्विस में हूँ इस विभाग में, लेकिन मैं देखा हूँ कि फिलहाल इन दो तीन वर्षों में जितना बदलाव बेसिक शिक्षा में हुआ है, चाहे हमारे अधिकारियों की वजह से हो और चाहे शिक्षकों की वजह से, इसका काफ़ी ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आज दो तीन वर्षों के बीच में बेसिक शिक्षा की छवि समाज में काफ़ी बदली है। जो अध्यापक को नकारात्मकता की दृष्टि देखते थे, आज वो अध्यापकों को अध्यापक के कार्यों से देखकर उनको जो है उनकी सोच बदली है। हमारे बेसिक शिक्षा निदेशक कहते हैं कि आपको अपना ट्रम्पेट खुद बजाना होगा, यानी कि अगर आप काम करते हो तो उसको कोई दूसरे तो आपकी आलोचना करेंगे, आपको अपना कार्य खुद दिखाना होगा, खुद बताना होगा समाज में, क्योंकि बेसिक शिक्षा में इतनी नकारात्मकता फैली हुई है कि हम अपने कार्यों को दिखाकर ही, प्रदर्शित करके ही उस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं सभी शिक्षक साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप बेहतर कार्य करें और उस कार्य को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो सभी लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर उस कार्य को अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं। सबसे बड़ा फायदा इसका यह होगा कि हम अध्यापक भी एक दूसरे के कार्यों को देखकर सीख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। रवि सर के बारे में एक चीज़ मैंने जो पूरे काम के दौरान जानी, जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, तो उसकी और सारी बहुत सारी अच्छाइयों को जानते हैं। हमारी टेक्निकल टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण साथी रवि सर, जिन्होंने बहुत चीज़ों को सजाया है, संवारा है, और रवि सर, रितेश सर, नवीन सर, ईशान, इन लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और ये काम टेक्निकल टीम का जो काम था वो नेटवर्क इशू के नाते आपके सामने ठीक नहीं आ पा रहा है, उसे हम आपके ग्रुप पे भी भेजने का प्रयास करेंगे। जी हमारे कोई और साथी कुछ कहना चाहते हैं? नीलम मैम आपने, हाँ जी नीलम मैम बोले। संभवतः नीलम चन्ना मैम का ऐसे ही माइक म्यूट हो गया होगा। प्रवीण सिंह सर हैं, वो अभी हमारी टेक्निकल टीम में है, उनको भी बुला लीजिए। प्रवीण सिंह सर, प्रवीण सर बिदौली जौनपुर, जिन्होंने की इसकी टेक्निकल टीम में बतौर फाउंडर में उनको कहूँगा, उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। प्रवीण सर प्लीज कृपया आए। अब प्रवीण सर नेटवर्क इशू है निश्चित रूप से, कुछ बहुत क्लियर बातें हम नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो जी सर, हेलो नीलम बोल रही थी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ मैम आ रही है, बताएं।
थैंक यू सर. वो शायद जो है नेटवर्क इशू की वजह से मेरी आवाज़ आना बंद हो गई थी. और मैं यही कहूँगी कि पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने एक मंच प्रदान किया. प्रीति मैम का धन्यवाद और सभी जो आयोजक मंडल है, आपका निर्णायक मंडल, जिन्होंने इस चीज़ के लिए एक सीखने सिखाने का जो वातावरण पैदा किया वो बहुत ही अच्छा है. और हम सब इससे एक दूसरे से सीखेंगे. और मैं तो ये भी चाहूँगी कि जैसे अब ICT का हम नहीं देख पा रहे थे कि हम लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट के ग्रुप में डाल दिया गया. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इंटरेस्ट दोनों तरफ होता है. तो मैं ये चाहूँगी कि सभी चीज़ें ना एक दूसरे से साझा की जाएँ, जिससे कि हम उनसे भी अपना मतलब अपना ज्ञान बढ़ा पाएँ, अपना सीख पाएँ. थैंक यू. बस यही शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, और आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें और टीचर्स को भी आगे लाने का प्रयास करेंगे. इसके लिए धन्यवाद. धन्यवाद मैम, हमने आपके सुझाव को नोट कर लिया है और आप इसे लिखित रूप में भी व्हाट्सएप भी कर देंगी, हमारे लिए और सुविधा होगा. जी प्रवीण सर. सभी को नमस्कार. एडू स्टॉक के बारे में प्रीति मैम से एक दिन चर्चा हुई, उन्होंने फोन करके आइडिया बताया, तो ये आइडिया जो है काफी अच्छा लगा और जो है लगा कि ये सीखने सिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज है. तो मार्गदर्शन में जितना जो है टेक्निकली हमने कार्य करना था उसको करने का प्रयास किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए नहीं कर सके जितना करना चाहिए था. पर और बाकी अनुभवी शिक्षक जितने आप साथियों का लगभग जो है एक अच्छी खासी टीम के साथ मिलकर जो है काम करने का मौका मिला और बहुत खुशी को मिला आप सभी. प्रीति मैम को विशेष बहुत बहुत धन्यवाद. प्रवीण सर, अनुभव और जोश इसका संगम है डू स्टफ. मैं चाहूंगा जी सविता मैम. हाँ धीरज सर, मैं कुछ कहना चाह रही थी. क्योंकि मैं संगीत विधा के जजेस पैनल में थी, तो उस विधा से जुड़े हुए जो भी प्रतिभागी थे उनसे मेरा एक निवेदन है कि प्रविष्टियाँ तो यद्यपि काफ़ी अच्छी आई थी, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों ने पिक्चर की धुनों का बहुत प्रयोग किया हुआ था. तो मेरा आप सबसे एक ये निवेदन है कि जब भी आप संगीत विधा का प्रयोग करते हैं अपने पाठ को पढ़ाने में, तो उसमें प्लीज कुछ मौलिकता लेके आएँ और वो ऐसा हो कि जो बच्चों के लिए आसानी से सीखने योग्य हो और उसमें लर्निंग आउटकम भी पूरा निकल रहा हो. और कोशिश कीजिए कि हो सके तो ये जो भी पिक्चर की धुनें हैं उनको बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा. धन्यवाद. धन्यवाद मैम, बहुत ही बेहतरीन सुझाव जिसको अपनाकर हम निश्चित रूप से इस काम को संगीत विधा में और बेहतर बना पाएंगे. एक निवेदन सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि जब भी कोई आप प्रतियोगिता में फॉर्म फिल करें तो आप एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार आप उसके जो नियम हैं वो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि प्रविष्टियाँ जो आई उसमें भी और आप लोगों को जो दिक्कतें हुई वो भी, पहले अगर हम नियम दो तीन बार पढ़ लें तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या किस हेतु ये प्रतियोगिता है, इसके क्या क्या नियम हैं और हमें कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है. पार्टिसिपेट करने के बाद हमारी जो तैयारी है वो कैसे करनी है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं या कहीं भी कोई प्लान करता है तो उसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है और उसके बाद नियम बनाए जाते हैं. तो अगर हम उन नियमों को पढ़ लें और उसके बाद फॉलो करें तो शायद हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, बहुत शानदार होगी. ये मेरा आप लोगों को सुझाव था. और अगले की आगे भी जो प्रतियोगिता होंगी उसमें भी आप लोगों से निवेदन है ये कि इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा. जी उदय सर बताएं. हेलो हेलो हेलो. मैं वंदना, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ. जैसे कि प्रीति मैडम ने कहा बिल्कुल सही है कि आप लोग उस चीज़ को नियम जो हैं उनको ध्यान से जरूर देख लें, क्योंकि नियम के थ्रू अगर आपका मान लीजिए बहुत अच्छा भी वीडियो है और आपने उन नियमों का पालन नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो आप पीछे रह जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो है नियम पे ही चलती हैं और उस हिसाब से ही अगर आपने कार्य किया है तो आपका वो वीडियो मान्य होगा, अन्यथा वो चीज़ पीछे चली जाएगी चाहे आपका वीडियो कितना भी अच्छा बनाओ. तो नियम का जरूर पालन करें. ये हमारी बंदरा मैम थी, पपेट्री 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 विधा की जजमेंट पैनल में आपने बहुत सर. मैं वंदना गुप्ता हूँ, भावना नहीं हूँ.
बंधन गुप्ता ही कहा, एक्चुअल में सर ने हेलो कहा तो वो उसे मिक्स हो गया होगा, तो भावना सुनाई दी है। कोई बात नहीं जी सर। हेलो जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जितनी भी प्रविष्टियां आई हुई हैं उन सबका एक पीडीएफ बन के एक हैंडबुक रूप में यदि परिवर्तित हो जाती तो बेहतर होता। सर शानदार सुझाव, हम इस काम को हमने अपने आगामी योजना में नोट कर रखा है, इसको पुनर्बलन देने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर, हम इसे करने वाले हैं। प्रीति मैम, अब वक्त हमें काफी आगे की तरफ लेके चलता है। अब हम लोग आगे के लिए अपना ये प्रोग्राम अभी यहाँ पे संपन्न करते हैं और उम्मीद है कि सभी को सर्टिफिकेट, क्योंकि हम लोग साथ ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, सभी को उपलब्ध हो जाएंगे, कुछ लोगों को उपलब्ध हो चुके हैं ऐसा आ रहा है और ये मैसेज में आ रहा है, और जिनको नहीं उपलब्ध होंगे वो परेशान नहीं होंगे, सभी को सर्टिफिकेट मिलेंगे। प्रदर्शन के आधार पर उत्कृष्ट, सराहनीय और प्रतिभागिता का सर्टिफिकेट दिया गया है और हम चाहेंगे कि आप सब हम लोगों से जुड़े रहें, शीघ्र ही कुछ नया हम लोग करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपका आभार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पूंजी हमारे बच्चे हैं, जिस प्रकार किसी व्यापारी के पास अगर धन ना हो तो उसका व्यापार चौपट हो जाता है, वैसे ही शिक्षक की पूंजी बच्चे हैं। बच्चों को सजोना है, बच्चों को संवारना है, उन्हीं के लिए काम करना है, तो हमारी सारी प्रविष्टियाँ, हमारा सारी मेहनत, हमारा सारा प्रयास उस दिशा में हो कि हमारे कक्षा का वातावरण सुधरेगा। इस भाव और भावना के साथ हम अपने मन में इस विचार को और दृढ़ बनाते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, शुभ संध्या। हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद सुरभि एंड धन्यवाद प्रीति जी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हम यहाँ पर हमने अपना प्रतिभाग किया, हमें बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन बहुत ही अच्छी बात रही, और सबको धन्यवाद। थैंक यू मीना दीदी, और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि हमारे जितने भी निर्णायक मंडल हैं सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत महारथी हैं, और काफ़ी वो ये मुँह से नहीं कहेंगे बट इन्होंने अपनी फील्ड में बहुत नाम भी कमाया है और बहुत सम्मान भी पाया। धन्यवाद आप सभी को। जो भी हमारे निर्णायक मंडल थे वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, जिनसे हमने ये पूरी प्रतियोगिता का मूल्यांकन कराया है, और हमारे लिए, हमारे निर्णायक मंडल के लिए भी कुछ है सरप्राइज, तो आप सब बने रहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा समाप्त की जाए। धीरज जी, मैडम मुझे सुरभि मैडम से कुछ कहना है। हाँ जी कहें जी। सुरभि मैडम से कहना है, हमें भी बहुत कुछ सीखना है। हेलो सुरभि जी, सुन रही है सुरभि? हेलो सुरभि मैडम, अमिता सचान बोल रहे हैं। हेलो, लेफ्ट हो गई क्या? हम शायद वो अभी है नहीं मैम। चलिए ठीक है मैम, आप एडिस्टेफ से जुड़ी रहिए, वो चीज़ें आपको सब, हम सब साथ साथ सीखेंगे, अब हम लोग साथ साथ सीखेंगे, जो भी होगा सब साथ साथ करेंगे, ठीक है मैम? ओके जी जी, ठीक है, आप सभी का आभार, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी फेसबुक पेज पर ज़रूर एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा अपने सर्टिफिकेट के साथ। ठीक, ओके मैम, ओके प्रीति जी।